मुबारक हो भाभी जी। अरे भाभी जी बधाई हो, मिठाई भी निकलाई आपने तो। आओ अंकल मिठाई भी निकलाई। अरे वाह कनिका जी, क्या बात है, बड़े दिनों बाद देखी। अरे वो बस काम में लगी रहती हूँ ना। वैसे ऐसी हालत में काम करना नहीं चाहिए। कैसी हालत में? अरे खुशखबरी लेके घूम रही हो और कह रही हो कैसी हालत में। हमें तो बता दो कौन सा महीना चल रहा है। महीना? अरे प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, वो बस थोड़ा सा पेट निकल गया। ये थोड़ा सा होता है क्यों? नहीं नहीं बढ़िया है। अभिता क्या सोच रही है, हो गया वो चुड़ैल हंस तो ऐसे रही थी जैसे जिम की कोच हो और उसको आदमी जैसे किसी ने गुठली चूस के फेंक दियो। तो ठीक है फिर, लोग तो बोलते हैं कुछ कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो उन्हें क्या लेना मुझसे, अपने काम से काम रखे ना। उनको इतने दिन बाद दिख गया तो बोल दिया उन्होंने। अरे तो इतना कितना मोटा है मेरा पेट, जो प्रेग्नेंट ही बोल दिया। प्रेग्नेंट का पता भी है कितना मोटा होता है, देखना अच्छा देखना एक बार, मोटा लग रहा है। बोलो। नहीं नहीं लग रहा मोटा। अबे अभी तो बहुत बाहर आ सकता है, ये अभी तो बहुत अंदर है। खाना अपनी मम्मी कसम खाओ ना, तुम सारे एक जैसे हो। अरे यार जिम चली जा। कैसे चली जा, टाइम है जिम जाने के लिए, सुबह 7 बजे उठ के 1 बजे तक काम करना पड़ता है। शाम में चली जा। शाम में तुम आते ही खाना खाना कर दोगे। यार देख टाइम तो निकालना पड़ेगा ना यार, तेरे को पेट कम करना है। हाँ तो मैं खुद देख लूँगी, टेंशन ना लो तुम। देखा है मैंने क्या कर दिया, तुम 2 दिन चलता है बस तेरे पेट का ड्रामा, फिर वैसी हो जाती। अरे कनिका जी नमस्ते, आज सुबह सुबह? हाँ जी बस एक्सरसाइज कर दिया शुरू। ओहो मेहनत की जरूरत नहीं है कनिका जी, मेहनत तो गधा भी करता है, ऐसे छोटे मोटे पेट के लिए तो शॉर्टकट ही काफी है। भैया पेमेंट कर दी थी मैंने। नमस्ते। नमस्ते बाबू जी, कुछ देना है? 2 दूध के पैकेट दे दो। ठीक है।
अरे क्या हो गया? वो मैं सोई हुई थी, मुझे ऐसी तेज खुजली हुई, पहले तेज खुज आती है नींद नींद में। ये खुजली हुई है तेरे को? हाँ। ये खुजली तो लग नहीं रही मुझे, किसी चीज ने काटा है? नहीं। कुछ उल्टा खाया तूने? अरे बोलना। नेचुरल टैबलेट खाई थी। ये क्या? वो पेट अंदर करने की टैबलेट है। वो पेट अंदर करने के लिए तूने दवाई खाई थी? नहीं नहीं, वो तो जड़ी बूटी से बनी हुई है। मैं बेवकूफ औरत, ऐसी कोई भी चीज नेचुरल होती नहीं है, साइड इफेक्ट है ये उसका। खुद को ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में इतना बदसूरत बना लिया तूने। मुझे नहीं मालूम, मैंने नेट से देख के ऑर्डर की थी। वो जिस भी लोगों ने जिन्होंने भी वो मंगाई है ना, उन्होंने अच्छे कमेंट्स कर रखे थे उसके बारे में, तो मंगाई थी मैंने वो। ऐसी प्रोडक्ट रिव्यू में कमेंट हमेशा फेक ही होते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को, और तू बेवकूफ बन गई। सॉरी। किसने बोला तेरे को ये करने? वो 562 वाले ने। क्या बोला उसने? उसने बोला कि मेहनत तो गधा भी करता है, आप शॉर्टकट यूज करो, थोड़ा सा ही तो पेट है। वो डॉक्टर है? तू डॉक्टर है? नहीं। अबे तो तूने उसकी बात कैसे मान ली? अरे बाहर में घुस तू यार। ठीक है। अरे मैं कौन, नींद आ रही है यार। ठीक कैसे होगी? मेरी जैसी किसी भी औरत की बातों में मत आना, सुबह उठ के जिम जाना। मैं तो पड़ोसन हूँ, मैं क्यों ही चाहूंगी कि मेरे पड़ोसियों की मुश्किलें हल हों।